सुमित वजन कम करने के लिए रोज शाम को गार्डन में दौड़ने जाता था। वो जिस गार्डन में जाता था वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे, पर फिर भी वो वहीं पर जाता था क्योंकि उसे उस गार्डन से कुछ अलग लगाव था। एक दिन उसे गार्डन में टहलते हुए देर हो गई और वो जब वहां से लौटने वाला था तब तक रात हो चुकी थी। जब सुमित गार्डन के बाहर जाने के लिए निकला तब उसकी नजर अचानक उस गार्डन के रखवाले पर पड़ी। वो रखवाला रात के समय पेड़ों को पानी दे रहा था। सुमित को ये बात बहुत अजीब लगी और वो रखवाले पर हंसने लगा। सुमित रखवाले के पास गया। अरे क्या हुआ भाई, पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हुआ साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तुम रात के समय पेड़ों को पानी क्यों दे रहे हो? पानी तो सुबह सुबह देना चाहिए, रात के समय पेड़ों को पानी नहीं दिया जाता। तुम सही कह रहे हो, पर ये पेड़ अलग है। ये पेड़ अंधेरे के पेड़ हैं। इन पर रात का आशीर्वाद है, या फिर यूं कहो कि काली रात का शाप है, इसलिए इन पेड़ों को रात के समय पानी देना पड़ता है। अरे भाई तुम डरा क्यों रहे हो यार, सीधे सीधे बोल देते कि सुबह देना भूल गया था इसलिए रात को दे रहा हूँ, तो भी मैं कुछ नहीं कहता तुमको। अरे ऐसा कहकर मैं झूठ बोल देता, पर मुझे झूठ बोलने की आज्ञा नहीं है, और ये सच जानकर तुम डर रहे हो। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। रखवाले की बात सुनकर सुमित थोड़ा डर गया। उसे वो कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अब ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम चालू रखो, मैं चलता हूँ। सुमित डर की वजह से भागता लड़खड़ाता हुआ गार्डन से चला गया और रखवाला फिर से पेड़ों को पानी देने लगा। अगले दिन सुमित सुबह के वक्त गार्डन में दौड़ने के लिए आया। उस वक्त भी गार्डन में कोई नहीं था, पर जब सुमित ने गार्डन में पैर रखा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो बुरी तरह से डर गया। गार्डन के सारे पेड़ एकदम खाली और मुरझाए हुए थे। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, मानो जैसे अभी जलकर खाक हुए हो। गार्डन का वातावरण रात के समय से एकदम उल्टा था। ये सब कैसे हो गया? उस रखवाले ने रात को ही तो सभी पेड़ों को पानी दिया था, तो इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? इतने कम समय में पेड़ के सारे पत्ते कैसे मुरझा सकते हैं? इन पेड़ों पर जले के निशान भी हैं, पर यहाँ आग लगी थी ऐसी कोई खबर नहीं आई। सुमित ने एक एक पेड़ के पास जाकर देखा, उनको छुआ भी, पर उसके समझ में कुछ नहीं आया। अचानक उसको याद आया कि यहाँ रखवाला भी रहता है। हाँ, उस रखवाले से पूछना पड़ेगा, उसे जरूर पता होगा कि ये सब किसने किया या फिर कैसे हुआ। चलो उसे ढूंढता हूँ। सुमित ने उस रखवाले को बहुत देर तक पूरे गार्डन में ढूंढा, पर उसे वो रखवाला कहीं भी नहीं मिला। वो डर कर वहां से भाग निकला। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। जब सुमित शाम को आता तो सारे पेड़ अच्छे और पत्तों से भरे हुए नजर आते थे, पर जैसे ही वो सुबह आता तो वो चित्र एकदम बदल जाता। उसने बहुत बार रखवाले को पूछने की कोशिश की, पर डर के मारे कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन सुमित सुबह के वक्त गार्डन में आया। चारों तरफ शांति फैली हुई थी। गार्डन की हालत किसी रेगिस्तान जैसी थी, जहां बरसों से बारिश ना हुई हो। ऐसे लग रहा था कि गार्डन में कभी किसी ने पानी ही नहीं डाला। गार्डन के नजदीक पानी का पाइप पड़ा था। सुमित ने सारे पेड़ों को पानी देने का सोचा। उसने वो पाइप उठाया और वो पेड़ों को पानी देने लगा, पर अचानक पाइप से पानी की जगह खून निकलने लगा। जैसे ही सुमित ने खून निकलते देखा,
उसके हाथ से पाइप छूट गया और वो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगा। बचाओ, बचाओ! अरे पाइप से खून निकल रहा है, बचाओ! सुमित बहुत देर तक चिल्लाता रहा और उसकी आवाज ना रखवाले ने सुनी ना किसी और ने सुनी। सुमित बिना कुछ सोचे समझे अपने घर चला गया। सुमित शाम को डरते हुए दबे पांव गार्डन में आया। रखवाला वहां पर कहीं नहीं था। सुमित कुछ देर के लिए वहीं पर बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जैसे ही सूरज डूबा, रखवाला अपने कमरे से बाहर निकला। रखवाले ने डरावनी नजरों से सुमित की तरफ देखा और बिना कुछ कहे पौधों को पानी देने लगा। सुमित चुपचाप रखवाले के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने रखवाले से कुछ नहीं कहा। उसने पाइप से निकलने वाले पानी को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो पानी नहीं, खून ही था। बस रात के अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे रहा था। सुनो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। मैंने तुम्हें सुबह यहाँ देखा था। तुमने पेड़ों को पाइप से पानी देने की कोशिश की थी, बेकार कोशिश। और तुम यही जानना चाहते हो ना कि इस पाइप से खून कैसे निकला और मैं इन पेड़ों को खून क्यों दे रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब रात के पेड़ है, अंधेरे के। ये हमारे सामान्य पेड़ों से अलग हैं, इसीलिए इन्हें पानी नहीं खून चाहिए होता है, और वो भी रात के समय। अब जाओ, मुझे अपना काम करने दो, पूरी रात और भी काम है मुझे। लेकिन ये सब क्यों और कैसे हो सकता है? वो मैं नहीं बता सकता, जाओ यहाँ से। सुमित रखवाले की बात सुनकर डर गया और गार्डन के बाहर चला गया, पर वो घर नहीं गया। वही गार्डन के कोने में खड़ा रहकर अंदर देख रहा था। उसे इन अजीब पेड़ों का राज और इस गार्डन की कहानी जाननी थी। रात बीतती गई। रखवाला सारे पेड़ों को खून देकर एक जगह पर बैठ गया। गार्डन का पूरा माहौल बिल्कुल शांत था, पर अचानक सारे पेड़ हिलने लगे। शांत माहौल को चीरते हुए उन पेड़ों की आवाज सुमित को परेशान करने लगी, पर वो फिर भी उन्हें ध्यान से देख रहा था। अचानक गार्डन के सारे पेड़ एक एक करके गायब होने लगे। सुमित वो सब देखकर डर रहा था, पर फिर भी उसने गार्डन की तरफ देखना नहीं छोड़ा। गार्डन के सारे पेड़ गायब होने के बाद हर एक पेड़ के नीचे एक आदमी की कब्र दिखाई देने लगी। थोड़ी देर बाद उन कब्रों से मरे हुए लोग बाहर आने लगे और अपना हाथ काट कर उसमें से जो खून निकल रहा था वो अपने कब्र पर डालने लगे जहां पहले पेड़ खड़े थे। ये सब देखने के बाद सुमित की आंखें सफेद हो गई। उसको क्या करें ये समझ नहीं आया। अचानक सुमित की नजर रखवाले पर पड़ी। वो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। सुमित हिम्मत करके फिर से गार्डन के अंदर आया और रखवाले के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो सब छोड़ो, ये सब क्या हो रहा है ये तुम मुझे बताओ अभी के अभी। अब तुमने सब देख ही लिया है तो तुम्हें सच बताने में कोई हर्ज नहीं है। ध्यान से सुनो, ये सब लोग जो तुम देख रहे हो ये सारे के सारे मरे हुए हैं। जिंदा रहकर इन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया था। इन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटा और उन्हें जलाकर राख कर दिया। इसलिए मरने के बाद भी इन्हें शांति नहीं मिली, इसलिए ये पेड़ इनसे बदला ले रहे हैं। ये रोज इनका खून मांगते हैं और उस खून से जिंदा रहते हैं। मामूली पेड़ सिर्फ सुबह ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये रात को ही ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए सुबह के वक्त
ये सब मुरझाए हुए और रात के वक्त हरे भरे दिखाई देते हैं। अगर तुम इन मुर्दा लोगों में शामिल नहीं होना चाहते तो कभी पेड़ मत काटना, वरना पेड़ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुमित उस रखवाले की बात सुनकर इतना डर गया कि कभी उस गार्डन की तरफ लौट कर नहीं आया।